बॉयज़, ये है रामनगर फोर्ट, ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, और ये गंगा नदी के बगल में ही है। और यहाँ पे एक सुरंग बना है जिससे आप डायरेक्ट गंगा नदी जा सकते हैं। ये गंगा नदी का पीछे का पार्ट है, ये मैंने विज़िट किया। फिर मैंने विज़िट किया भारत माता मंदिर, जो कि इकलौता मंदिर है पूरे भारत में। इसे बनाने का मकसद था यूनिटी, और इसे बनाने का ऑर्डर पास करने वाले थे गांधी जी फॉर द पर्पस ऑफ। हेलो बॉयज़, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयज़, आज मेरा बनारस में तीसरा दिन है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। आज मैं जा रहा हूँ जी पांच स्पॉट विजिट करने हैं। रामनगर फोर्ट, तुलसीदास, भारत माता मंदिर, जो कि पूरे इंडिया में इकलौता अकेला है। सो आज का ब्लॉग काफ़ी मज़े का होगा, एंड तक जरूर देखें। बॉयज़, आई गॉट अ लिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। बॉयज, दिस इज रामनगर फोर्ट, रामनगर किला। यहाँ के जो बॉयज, अभी अंदर चलते हैं रामनगर किला में और देखते हैं कि इतनी पुरानी जो ये इमारत है वो कैसी है और अभी भी ये खड़ी है। इसमें जी सीमेंट यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसकी जो मजबूती है वो इतनी अच्छी रहती है। और यहाँ के दरवाज़ा इतना बड़ा है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे कुछ लोग रहने भी लगे हैं। और ये सारे बंद कर दिया गया है। ये भी एक टॉप है, इसे थोड़ा करीब से देखते हैं जी। बॉयज, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है N856 0। इसका मतलब मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ निशान बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कुछ भर दिया गया है लकड़ी का। यहाँ पे और एक तोप है। सो बॉयज़, यहाँ पे अच्छा लग रहा है आके, जितने भी पुराने ज़माने के सारे चीज़ें वो चीज़ देखने को मिल रहा है। और ये सब हमें देखना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ उस समय का आर्किटेक्चर और अभी का क्या फ़र्क है। बेसिकली जो फ़र्क है, वो लोग चूना यूज़ करते थे और चूने की जो ईयर होती है वो 100-200 साल तक चल जाते हैं, मैक्सिमम 2000 साल तक। सो अभी तक ये सारी इमारतें अभी तक खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वो यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा अंदर का नज़ारा देखते हैं। हेलो, ये वो इस कुछ कमरे हैं जो बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी रहते होंगे। यहाँ पे कुछ ऑफिस का वर्क है, ऑफिशियल वर्क, इसे बना दिया गया है, लोग कैप्चर कर लिए। और यहाँ पे मुझे एक सीढ़ी दिखा जो कि लकड़ी का सीढ़ी है। और यहाँ पे भी ऑफिस वगैरह है। अभी जी बॉयज़, म्यूज़ियम चलते हैं और अंदर में काफ़ी बहुत सारे लोग कुछ कैप्चर कर लिए और वहाँ पे रह रहे हैं। बस वो इलीगल है, बट समय के साथ साथ पुरानी चीज़ों को लोग कैप्चर कर ही लेते हैं। बॉयज़, अभी मैं म्यूज़ियम से आ गया हूँ। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे और म्यूज़ियम में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी जिसका इतिहास बहुत 20-20 बहुत पुराने पुराने कार्स वगैरह रखे थे, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आप ये देखिए, वो पूरा वहाँ तक म्यूज़ियम था। अभी मैं म्यूज़ियम के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और जो राजा के वारिस है वो अभी भी इसी हवेली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो मुझे पता नहीं है, बट ये आई थिंक यहीं पे रहते हैं। ये मेन उनका हवेली है और ये उनके सारे कार्स वगैरह है। अभी जी यहाँ से जाते हैं गंगा घाट, जाने का रास्ता वे टू गंगा घाट, फिर उसके वहाँ पे बैठ के आपको बताते हैं म्यूज़ियम में मैंने क्या क्या देखा। वैसे अभी गंगा घाट जाने का रास्ता वे टू गंगा घाट, वो पुलिस वाले ने मुझे रोका और पूछा आप करते क्यों, आपका यूट्यूब चैनल है क्या? तो वो सारी चीज़ मैंने जी बताया उसको। अभी यहाँ से गंगा घाट चलते हैं और वहाँ बैठ के आपसे बातें करते हैं। बॉयज़, जब मैं वहाँ से आ रहा था ऑटो से तो मैंने आपको दिखाया था वो पुल, और वो यही है, और ये गंगा घाट है जी यहाँ से।
उसका ही नाम छत्रपति उदय सिंह महाराज है। हाँ हाँ। उसका बहुत बढ़िया है किला है उनका, उनका किला है अजिंक्य तारा। हाँ। और देखने के वास्ते कास जागतिक कास पटर है। हाँ हाँ। जागतिक। हाँ। और मंदिर है और धरन है, कोयना धरन है। कोयना धरन के बाद में ठोशेगर आता है। हाँ। वो सब पर्यटन रहता है। हाँ। बहुत अच्छे गर्दी रहती है उधर। तो इसके बारे में मैं इधर इसके बारे में इतना नहीं पता मेरे को। हाँ। ये रोहिदास महाराज का ही है ना? नहीं नहीं, ये किसका है? ये बलवंत सिंह राय का कुछ का है। बलवंत सिंह का। हाँ। मालूमत नहीं ना ज्यादा। बॉयज़ थोड़ा सा गोप्रो में वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप म्यूज़ियम में जाएंगे, म्यूज़ियम में जाने का चार्ज आपको 75 रुपीज़ मिलेंगे, 75 रुपीज़ लगता है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने ज़माने की चीज़ मिलेंगे। वहाँ पे मैंने दो कार्स देखी, और भी कार्स थे वहाँ पे। पहला कार्स मैंने कुछ मेड इन अमेरिका था, 1927 या 1820 मॉडल का। फिर और एक वहाँ पे काफ़ी लग्जरी कार थी, रोल्स रॉयस की कार थी। और वहाँ पे आपको पुराने ज़माने के आर्मर सूट, कुछ जानवरों के अवशेष, खाल वगैरह भी, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बड़े बड़े राइफ़ल्स, बंदूक, जो कि आज के ज़माने के आदमी से भी बड़े बड़े राइफ़ल्स बंदूक थे, और तलवार वगैरह, आर्मर सूट, जितने भी ये सारे चीज़ पहले आप लोग यूज़ करते थे वार पे जाने से पहले, युद्ध पे जाने से पहले, वह सारे चीज़ आपको मिलेंगे। सो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी वह सारे चीज़ों को अपनी आँखों के सामने देख के। ओके। और वहाँ पर जो राजा रानी जो कपड़े पहनते थे, किस तरह के कपड़े होते थे, वो सारे चीज़ भी वहाँ पे रखे हुए हैं। सो अगर आप म्यूज़ियम जाते हैं तो आपको ये सारे चीज़ की जानकारी मिलेगी। म्यूज़ियम का चार्ज 75 रुपीज़, फ़ोटोग्राफी वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। दिस इज बॉयज भारत माता मंदिर। ये जी इकलौता मंदिर है पूरे इंडिया में, जहाँ पे जैसा भारत गुलामी से पहले अराउंड 1200 शताब्दी में था, उसकी एक पूरी यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। तो उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं भारत माता मंदिर कैसा होता है। फिलहाल मैं जूते खोल रहा हूँ। ओके, चलते हैं भारत माता मंदिर। ये इसका एंट्रेंस है, ब्यूटीफुल एंट्रेंस। यहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ है, सुजलाम सुफलाम और वंदे मातरम। बॉयज जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत और ये बड़ा निकला। आप देख सकते हैं ये जी कश्मीर है, सॉरी कन्याकुमारी है, और ये श्रीलंका है, ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से हमारा भारत जो अभी है वो सिर्फ कश्मीर तक है। तो उस समय हमारा भारत अखंड भारत कहा जाता था, तो विभाजित नहीं हुआ, तो पाकिस्तान सारे चीज़ मिले हुए थे, और हमारा ये म्यांमार तक हमारा बॉर्डर गिरता था। अब देख सकते हैं ये जो है म्यांमार तक गया था, इतना बड़ा हमारा अखंड भारत था। सो अराउंड 1900 BC में हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता था। ओके, जो इसकी बॉर्डर थी म्यांमार के की वीन तीर पर्वत, ये सब पर्वत है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं, करा को यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा हमारा अखंड भारत था। ऊपर में ये पुरातन है, पूरा 1936 में इसका इनोग्रेशन किया गया। हाँ। बेसमेंट से आप ऐसे देख सकते हो, बेसमेंट बनाने का जो मकसद था, यहाँ से आपको जितने दिख रहे हैं ये सारे माउंटेन्स है, इंडिया में जितने भी माउंटेन्स है, तो उस मकसद से इस बेसमेंट को बनाया गया है। ऊपर की तरफ चले जाएंगे, आ जाता है कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर। सो जो कश्मीर के बगल से होके जो चोटी दिखती है हम लोग के लिए, हाँ, जो है हिमालयन रेंज। हाँ, तो
थोड़ा बीच में आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश आ जाता है। हाँ। ओके, जो सबसे ऊंचा यहाँ पे जो एन के ऊपर लिखा है। हाँ। जो माउंटेन एवरेस्ट आ जाता है, माउंट एवरेस्ट ना सबसे ऊंचा है जो। हाँ, माउंटेन एवरेस्ट होके आगे की तरफ चले जाते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाते हैं। हाँ। उसके पीछे तिब्बत, तिब्बत ओके, जिसे नीचे चले जाते हैं नॉर्थ आता है। हाँ। ओके, ऐसे होके पूरा चला जाता है। अच्छा। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या है? जो ब्लैक कलर है वाटर लेवल पता है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज मेरा बनारस में तीसरा दिन था। मैंने भारत माता मंदिर विज़िट किया, रामनगर फोर्ट विज़िट किया, उसके बाद मैंने तुलसी मानस मंदिर विज़िट किया, फिर मैंने दुर्गा कुंड विज़िट किया और काफ़ी मज़े का दिन रहा। और यहाँ से आप बेसमेंट से देख सकते हैं, इस भारत माता मंदिर को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी। अगर आप बेसमेंट में जाते हो तो बेसमेंट से आपको जितने भी माउंटेंस है वे सारे माउंटेंस वहाँ पे आपको दिखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।